भाई सच में बता रहा हूँ, मुंबई में बहुत ज्यादा धूप है। वापस आ चुके हम इसी स्ट्रीट पे जहाँ पे खाने की कोई पाबंदी नहीं और खाने के लिए कोई क्या बोलते हैं ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब बहुत सारा कुछ ऑप्शन है। तो ये आ गया अपना मेंदू वड़ा। तो ये गाइस एंट्री हो चुकी है, नाउ वी बी गोइंग फॉर एग्जाम। यहाँ पे सारे एंट्री कर रहे हैं। इस एग्जाम हॉल से एग्जाम अपनी हो चुकी है खत्म एंड तुम्हारा भाई पास हो गया। तो हमने ऑर्डर किया 1000 राइस, भैया ने बोला कि ये यहाँ का कुछ फेमस है 1000 राइस। हो गया 5 साल से ऊपर। 5 साल से ऊपर? आप कितने साल से यहाँ पे? हम भी 5 साल हो गया है भाई। मुझे दिखे यहाँ पे विराट कोहली। विराट सर, विराट सर। तो भाई यस, अभी हम पनवेल के बेलापुर के लोकल स्टेशन में, बिकॉज यहाँ से पनवेल के हमने टिकट लिए, पनवेल से हमारी ट्रेन है। बट ये केरला से मेरे भाई मिले। योर नेम? अभिनव। बट भाई ना एक बहुत तगड़ी चीज़ करे, मैं नीचे से जा रहा था स्टेशन पे आने के लिए, भाई ने बोला कि वो वहाँ से ना ऐसे पटरी पर से मेरे को चला के लेके। से नेम? गूगल। हाँ गूगल, गूगल, गूगल। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स day 3 इन मुंबई। सच बताऊँ क्या बढ़िया नींद आई है मेरे को रात भर, क्योंकि परसों मैं सोया नहीं था बस में, और सेकेंड थिंग कल जब आया, कल भी मतलब नींद नहीं हुई थी, तो रात में जो नींद आई है। तो अभी हमें जाना है, फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर हमें जाना है इंटरव्यू, बोल रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो अभी बात करने की हालत नहीं, एक काम करते हैं फ्रेश होते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो तो बाकी ये है हमारी डॉर्मेट्री, आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे 1, 2, 3 बेड, 3 बाथरूम है, यह अपना बेड है और ये है डॉर्मेट्री। ऐसी लाइक अच्छी खासी डॉर्मेट्री है। गुड, यस हो चुके हैं हम रेडी एंड नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट द रूम। ये अपना बेड, चाओ, एंड ये है अपन ऑल सेट। चलो तो यस गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने कहा इट्स day 3 इन मुंबई एंड हॉस्टल हमने चेकआउट कर लिया, अब जाएंगे हम ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद जाएंगे 11 बजे सीधा एग्ज़ाम के लिए। बाकी हमारे पास पूरा 1 घंटा पड़ा है, अभी देखते हैं आराम से ढूंढेंगे कोई अच्छा सा होटल, कोई अच्छा सा क्या बोलते हैं स्टॉल, और वहाँ पे खाएंगे कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट। वापस आ चुके हम इसी स्ट्रीट पे जहाँ पे खाने की कोई पाबंदी नहीं और खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब बहुत सारा कुछ ऑप्शन है। भाजी पूरी है, फिर वहाँ पे ऑमलेट पाव, फिर यहाँ पे इडली डोसा, समोसा, एवरीथिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल। मेंदू वड़ा, मेंदू वड़ा देना एक प्लेट। तू मेंदू वड़ा, मेंदू वड़ा 2 प्लेट। तो ये आ गया अपना मेंदू वड़ा। वेरी नाइस। हम अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो ये हो गया फिनिश, खत्म। सच बताओ इतना टेस्टी था ना ब्रेकफास्ट, हाँ ऐसा ब्रेकफास्ट मिल जाए बस। थैंक यू दीदी, थैंक यू। इस बैक टू उसी जगह पे जहाँ पे हमने फर्स्ट डे मुंबई में आने के बाद चाय पी थी, मतलब फर्स्ट डे मतलब पहले नहीं, अभी 3 दिन पहले जो हम आए थे जहाँ पे हमने चाय पी थी। चाय का टेस्ट ही अलग है महाराष्ट्र के, आई स्वेयर। यस गाइस हम क्लास में पहुँच चुके हैं, ये क्लास, और अभी क्या बोलते हैं अपने को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं अभी, उसके बाद बाकी की बातचीत करेंगे आप। तो थोड़ा पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद। सो यस गाइस आ चुके हैं हम वापस एग्ज़ाम हॉल से, एग्ज़ाम अपनी हो चुकी है ख़त्म एंड तुम्हारा भाई पास हो गया। तो अभी सर्टिफिकेट तो हमें मिल जाएंगे बाद में ऑनलाइन, बाकी अभी जाना है हमें बस घर। तो बाहर जाएंगे अभी, लंच करेंगे, लंच करने के बाद सीधा निकलेंगे घर, देखते हैं कौन सी बस अवेलेबल है शाम के रात के, बट आज ही जाना है क्योंकि हम आज जाएंगे तो कल वीडियो एडिट कर पाएंगे, बहुत सारे वीडियो एडिट के लिए पेंडिंग है। एडिट करेंगे तो यूट्यूब पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे तो आप देखोगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो बनाए रखना है हमें, तो इसे तोड़ना नहीं है। तो अभी क्या करते हैं बाहर चलते हैं लंच के लिए, देखते हैं। वैसे बाहर आज बहुत ज़्यादा धूप है, लाइक ज़्यादा धूप है, मतलब मुंबई की धूप आप समझ सकते हो कि कैसी धूप है। तो बाहर चलते हैं,
कुछ खाते हैं लंच में और उसके बाद आपसे मिलते हैं। नहीं, आपको भी बताएंगे ना कि बाहर क्या है खाने में। चलो भाई, सच में बता रहा हूँ, मुंबई में बहुत ज़्यादा धूप है और ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो व्लॉगिंग करते करते मेरे को तो समझ नहीं पाऊँगा कि मैं क्रॉस कैसे करना है भाई। वैसे यहाँ पे उतना ट्रैफिक है नहीं, हम लोग हैं बेलापुर नवी मुंबई में। ओके, आप लोग देखो, यहाँ पे कोई नहीं रुकता जेब्रा क्रॉसिंग पे वगैरह, मतलब कोई, दे डोंट केयर। ये है जगह भाई खाने वालों के लिए, जहाँ देखो वहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे खाना। कल हम लोग यहाँ पे खाए थे, आज कहीं और ट्राई करते हैं। देखा ना आज कहाँ और ट्राई करें भाई। देखा, हमें खाना खिलाने के लिए यहाँ पे झगड़ा हो रहा था दो लोगों के बीच, एक वो भैया है और एक ये भैया है। तो ये लोग बोल रहे थे हमारे बैठो, हमारे यहाँ बैठो। खाने लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब देखते हैं खाना कैसा है इनका। अच्छा दोगे ना खाना भैया? तो भैया ने बोला है खाना तो अच्छा होगा, देखते हैं ट्राई करते हैं चाइनीज यहाँ का कैसा है। टाइम पास, जब तक तक खाना नहीं आ रहा है तब तक आपको यहाँ पे देंगे टाइम पास। और हमने ऑर्डर किया 1000 राइस, भैया ने बोला कि ये यहाँ का कुछ फेमस है 1000 राइस, तो देखते हैं कि कैसा है भाई। तो आप लोग देखो, हमने 1000 राइस कैंसिल करवाया और हमने मंगाया चिकन चिली राइस, बिकॉज 1000 राइस की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है और पैसे भी बहुत है, लाइक 300 रुपीज। मैं अकेला तो इतना नहीं खाऊंगा, 300 नहीं, मतलब क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है। तीन अलग अलग रंग के लोग राइस देते हैं, तो क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा, तो हमने वो कैंसिल किया। अब हमने मंगाया है चिकन चिली राइस, मंगाया चिकन चिली राइस खाएंगे। और देखेंगे ये भाई लेके आए कुछ पावर, अब इसको देख के किसको नहीं लगेगा खाने का मन, लाइक एकदम अब मेरे मुंह से आ रहा है पानी। हम इसको खाएंगे और आप इसके बी रोल देखना थोड़े से। ओके, हम इसको खाते हैं उसके बाद, क्योंकि हमारे मुंह से इतना पानी आ रहा है, भूख भी लगी तो हम रह नहीं पाएंगे। बहुत टेस्टी है, क्यों भाई टेस्टी लग रहा है ना? मैंने बोला टेस्टी लग रहा है तो है टेस्टी। सच में अच्छा है, अच्छा लगा यहाँ पे, गुड डिसीजन था हमारा यहाँ आने का। तो भैया, हम जिस रेस्टोरेंट में हम खा रहे थे भी, मतलब जिस शॉप पे हम खा रहे थे, वहाँ के भाई है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे काम करता है, तो ये आपको बताएंगे कि इतना टेस्टी खाना ये यहाँ पे कैसे बना लेते हैं, और सेकेंड थिंग ये कब से खुला है और यहाँ पे कितने लोग हैं, मतलब काम वगैरह करने के लिए। तो भाई आपका नाम क्या पहले? तो सुफेल खान। अच्छा, तो भाई मेरे को बताओ कि ये कब खुला है, लाइक कितने साल हो गए इसको? ये हो गया 5 साल से ऊपर। 5 साल से ऊपर? अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पे? हम भी 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ऊपर का ये खाऊ गली चालू है। अच्छा, हम लोग 5 साल से हो गए हमारा। अच्छा, इसको खाऊ गली बोलते हैं? खाऊ गली बोलते हैं। एक नंबर है, मैं बता रहा हूँ, भाई ने जो भी डिश हमें सजेस्ट की वो एक नंबर था, सच में बता रहा हूँ। और बाकी आप इससे पहले कहाँ से वैसे आप? मैं यूपी गोंडा जिला। अच्छा, ये हमारा खुद का बिजनेस है। अच्छा, ये आपका खुद का है? भाई सच बता रहा हूँ, टेस्ट एक नंबर है। बाकी उन्होंने मुझे 1000 राइस बोला, वो थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा लग गई इसलिए मैंने नहीं खाया। एक आदमी नहीं खा पाएगा, 1000 दो तीन खा लेंगे, तो वही इसके लिए मैंने नहीं खाया। बट इस जो भी आपने मुझे अभी दिया था उसकी भी क्वांटिटी एक आदमी खाए जितनी है। वो चिल्ली राइस था अच्छा, क्वांटिटी का कोई शिकायत नहीं और टेस्ट भी अच्छा है। वही बताओ, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, मुझसे एक अकेले से खत्म नहीं हो पाया, बट तभी मैंने खत्म किया। आप देख सकते हो हमारे पेट की हालत अभी कैसी है। बाकी टेस्ट बहुत अच्छा था और अच्छा लगा भाई से मिलके। अगर वापस कोई मुंबई विजिट कर रहा है तो यहाँ पे जरूर आना, खाओ गली सीबीडी बेलापुर, 5 मिनट नजदीक है रेलवे। जायका रेस्टोरेंट है भाई हमारे खाले का नाम, आप आए और देखिए टेस्ट करिए, अगर फिर बताइए बात। अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई सच में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, 130 में आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की दो लोग आराम से खाते हैं। एक खाऊ गली से निकले, अब दूसरे खाऊ गली में हम एंटर कर रहे हैं। अभी हमें पीना है कुछ लींबू सोडा और भाई को पीना है लस्सी, तो देखते हैं मिलता है क्या। कहाँ है भाई लस्सी? तो भाई अभी हम ढूंढ रहे हैं लस्सी,
भाई को चाहे लस्सी, मैं पीऊँगा नींबू पानी, तो देखते हैं हमें कहाँ मिलता है। वैसे मुंबई में अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे घूम सकते हो, धूप ज़्यादा है, काले भी हो जाओगे, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। हाँ, ऐसी इच्छा हो चाहिए अभी भी और ज़िंदगी में भी। ज़िंदगी में है हमारी इच्छाओं, बहुत अच्छी इच्छाओं हैं। दो लेमन सोडा। फाइनली हमें यहाँ पे एक शॉप मिल चुका है, ये यहाँ पे हमने ऑर्डर किया लेमन सोडा, भाई ने भी लेमन सोडा। भाई वैसे लस्सी पीने वाले थे बट उनका भी प्लान चेंज होगा बिकॉज धूप बहुत है, तो भाई ने बोला कि सोडा ही पीते, तो लेमन सोडा हमने ऑर्डर किया। वैसे इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, सेम ही है। मेरे को लगता है मैं मुंबई SCCW कोर्स करने में फूड ब्लॉग बनाने आया हूँ सच। अब लगा थोड़ा अच्छा। भाई ये है गन्ने के जूस की मशीन, मतलब एकदम यूनिक। सो यस गाइस, अपनी बुकिंग हो चुकी है, आज की हमारी ट्रेन है यहाँ से पनवेल से हमारी मडगांव तक, तो हम ट्रेन से जा रहे हैं। थैंक गॉड हमें ट्रेन की टिकट मिली, क्योंकि बस में थोड़ा ना हेक्टिक सा होता है, बट ट्रेन की टिकट मिली अच्छी है, एसी वाली टिकट मिली, क्योंकि स्लीपर वाली नॉट अवेलेबल थी, एसी वाली अवेलेबल थी, तो हमने बुक कर दी। हम जाएंगे गोवा, क्योंकि अभी मुंबई में हमें हो गया बस ख़त्म, गोवा जाएंगे। हम एक नया रूटीन फॉलो करने वाले, वो रूटीन क्या है हम आपको गोवा पहुंचने के बाद बताएंगे। सेकंड थिंग, डिटेल्स सब कुछ जो मेरा 2 दिन का एक्सपीरियंस है STCW कोर्स का, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, जिसको भी चाहिए वीडियो, तो आई नो बहुत लोग चाहिए। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मिले जो सीमेंस हैं, वो बहुत अच्छा लगा ऐसे मिल के, और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है मुझे, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मुंबई, मुंबई ने अच्छा सर्व किया हमें, थम्स अप टू मुंबई, मुंबई है भी अच्छी। और अभी क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद 6 बजे यहाँ से हम लोकल स्टेशन लेते हैं, लोकल ट्रेन लेते हैं, स्टेशन तो हम कैसे लेंगे, शिट मैं क्या बात कर रहा हूँ, ट्रेन नहीं मिलते हम आपको। चलो तो भाई यस, अभी हम पनवेल के बेलापुर के लोकल स्टेशन में, बिकॉज यहाँ से पनवेल के हमने टिकट लिए, पनवेल से हमारी ट्रेन है, बट ये केरला से मेरे भाई मिले। योर नेम? अभिनव। बट भाई ने ना एक बहुत तगड़ी चीज़ कराई, मैं नीचे से जा रहा था स्टेशन पे आने के लिए, भाई ने बोला कि वो वहाँ से कहते हैं ऐसे पटरी पर से मेरे को चला के लेके, भाई बोलते हैं इधर वो रहते हैं अभी। हाउ मेनी इयर्स यू स्टे हियर? 3 days सर। 3 days? ओनली 3 days? 3 days सर। 4 days? 4 days। ओनली 4 days? भाई को इतना एक्सपीरियंस है कि कैसे आना है, किधर से आना है। तो मैं और ये भी भाई जा रहे हैं। यू आल्सो गोइंग पनवेल? नो, व्हाट्स योर नेम? गूगल। हां, गूगल। गूगल मी याहू। याहू? या, नाइस नेम। सो भाई ये है अपनी ट्रेन, but this lady is no first class, this here again, but this first class. First class? No, no? Only local. We can go here. Yeah, thank you. Sit here. Last stop on this. How many time will it take? 50 minutes. 50 minutes? 50 or 15? 15. 15. It's okay. 6 o'clock my train. This is तो भाई लेके आए बाबा, पता नहीं। और निकल भी चुकी है ट्रेन, मतलब 5 मिनट भी नहीं रुकी, नॉट इवन 5 मिनट, नो ओनली 1 मिनट ऑन द स्टेशन। 1 मिनट में भाई ने हमें चढ़ा भी दिया और फर्स्ट क्लास में चढ़े हैं भाई। फर्स्ट क्लास? इट्स ओके, दिस इज नॉट लोकल, फुल लोकल, लोकल ट्रेन। भाई लेके आए अभी ट्रेन में, आई होप हमको कोई पकड़े ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बैठे हैं हम। देयर यू कैन सी इट्स फर्स्ट क्लास, बट भाई ने बोला कोई दिक्कत नहीं। भाई मुझे दिखे यहाँ पे विराट कोहली, विराट सर, विराट सर, हाय सर। सर एक क्वेश्चन है आपसे, वो रॉयल चैलेंजर कभी जीतती क्यों नहीं बेंगलोर? अगले साल जीतेगी ना? अगले साल जीतेगी पक्का? पक्का पक्का। ए भाई जीतेगी, जिस दिन जीतेगी ना उस दिन देखना, मैं आपके नाम से पेड़े पटवाऊंगा। नाम तो बोला ना? नाम नहीं चाहिए ना, विराट कोहली बोल गया था तब। अच्छा आपको देख रहे, देखेंगे भाई इंशाल्लाह, जरूर देखेंगे एक दिन। आपका नाम? वनंत राज। पक्का देखेंगे ये नाम जैसी पे एक दिन, पक्का देखेंगे। गुड लक ब्रो। द एम ब्लॉक्स फोन है आपके पास अभी? द एम ब्लॉक्स पेन है? पेन है मेरे पास ही है। एम ब्लॉक्स, थैंक यू ब्रो।
भाई ने जल्दी जल्दी मेरा नाम लिखवाया क्योंकि भाई को यहाँ पे उतरना था। ये भाई है, आपके भी हाथ पे लिखता हूँ, आप भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ये है अपनी ट्रेन, आ चुके हैं, लेट्स गो इनसाइड। तो यस, हमारी सीट हमने ली थी, इट्स B47, क्वाइट फुल, द ट्रेन इज क्वाइट फुल। लेट्स सी जर्नी कैसे जाती है अपनी। अच्छा लग रहा है, लाइक ट्रेन भी क्लीन है, एंड अच्छा हुआ कि अपने 3 AC बुक किया, क्योंकि मैं उधर स्लीपर के साइड में गया था, वहाँ पे पूरा ऐसा पानी पानी पूरा गिरा हुआ है, मतलब थोड़ा डर्टी टाइप किया है, बट दिस इज़ क्वाइट गुड। लाइक AC वाली थोड़ी अच्छी है, अपन थोड़ा आराम से जाएंगे। अपने अपनी सीट एक्सचेंज किए, साइड लोअर मिली थी, हमने बात करके थोड़ा ऊपर वाली लिए, ताकि साइड में कोई आके बैठे ना तो है ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा तो बैठा रहेगा। बाकी आप देखो चांद आया है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। See this view, lovely. Okay, अपन बैठेंगे अभी थोड़ी देर बाद, कुछ खाएंगे और फिर सीधा सो जाएंगे। इंटरनेट तो वैसे मिलने वाला नहीं है, AC के अंदर थोड़ा पैक होता है, तो इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक नहीं आता है, तो फिर भी जब भी इंटरनेट मिलेगा तब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएंगे, वरना फिर बाकी वही है, एडिटिंग करेंगे मोबाइल में थोड़ा, क्योंकि कल व्लॉग डालना है, नहीं डालूंगा तो आप लोग देखोगे नहीं, मतलब पिछला वाला व्लॉग जो डाला है वो मेहनत जो भी है वो मेहनत है और कुछ नहीं। Yes guys, good morning. It's 5 AM in the morning. और हम लोग मड़गांव पहुँच चुके हैं। हम लोग क्या, मैं मड़गांव पहुँच चुका हूँ, बारिश है बहुत ज़्यादा गोवा में। और राइट नाउ आई एम टेकिंग ट्रेन फ्रॉम मड़गांव टू वास्को, तो वास्को जाते हैं और फिर वहाँ से सीधा घर जाएंगे। बाकी मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रहा हूँ, आई एम सेफली इन गोवा, तो ये व्लॉगिंग पे एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, यस नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं। That's it for today. Thank you so much for watching. See you soon next week. Then keep learning, keep supporting. Peace out.